गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरी एग्जाम चैनल। इस चैनल में आप वीडियोस देखेंगे अबाउट वोकैबुलरी और वोकैबुलरी के थ्रू हम कैसे रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप किस वोकैबुलरी का इम्पोर्टेंस क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, वोकैबुलरी मेनली आपके बैंक एग्जाम्स में, आपके इंश्योरेंस एग्जाम में, टीचर्स एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में और टेरिटरी आर्मी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम में काम आता है और आपके क्लैट में भी। डू रिमेम्बर, क्लैट का पैटर्न अब चेंज हो चुका है जिसके बारे में अपन वीडियो बनाएंगे। लेट्स मूव विद द वीडियो। सो पहली स्लाइड है, हम रूट वर्ड से स्टार्ट करें। पहला वर्ड है आपका ए। तो कोई भी वर्ड ए सी, ए सी आर, ए सी आर आई से चालू होता है तो उसका मीनिंग आपका बेटर, शार्प, सार और स्टिंगिंग हो सकता है। डू रिमेंबर, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम रूट वर्ड से पढ़ रहे हैं या वोकैब पढ़ रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या है? एक तो हम सिनोनियम एंटोनियम सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, इडियम्स और फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और स्पेलिंग एरर्स में आपको इतना कुछ सीखना पड़ेगा। और वाइल द वीडियो इज गोइंग ऑन, जब वीडियो चल रहा है, मैं आपको ग्रामर के रूल्स भी बता दूंगा कि ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। आफ्टर द वीडियो इज कम्प्लीशन आप खुद को रियलाइज हो जाएगा कि ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग, जो आज के एग्जाम के पैटर्न में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका एक्रोमोनियस। जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए सी से, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ग्रामर वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताता है कि ये नाउन और प्रोनाउन के आगे आता है। इसका मीनिंग है फुल ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट्स एंड बैड फीलिंग। मतलब कोई जो भी एक्रोमोनियस हुआ है, जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया है एन एक्रोमोनियस डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट हुआ है वो बहुत एक्रोमोनियस है। अगर आप यहाँ से हम इमेज देखें तो ये बताता है तीन जने डिस्प्यूट कर रहे हैं। अब वो जो डिस्प्यूट है वो बहुत एक्रोमोनियस है, जिसमें फुल ऑफ एंगर है, आर्ग्यूमेंट्स हैं और बैड फीलिंग्स। इसका मतलब ये है, तो उसकी कुछ एक्रोमोनियस से कुछ और वर्ड बनते हैं। एक्रोमोनियसली जो एडवर्ब है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है टू वेरी मेक इट वेरी इजी फॉर यू, जो बिल्कुल लेमन स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। एक्रोमोनी एक नाउन है। एडवर्ब एडजेक्टिव लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस करेक्शन में हेल्पफुल रहता है। तो मूव करते हैं हम एक्रोमोनियस के सिनोनियम और एंटोनियम्स के बारे में, देखते हैं क्या कहते हैं। तो पहला सिनोनियम है आपका बेटर। अगर बेटर हाईलाइट, टू रिमेंबर, हर वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सिनोनियम्स भी दे रखे हैं और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन रखा। अगर सिनोनियम बेटर है, बेटर का एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है। बाइटिंग है आपका, सिवियर है, क्रैप्ड का मीनिंग भी ये हो सकता है। एम्बिटर्ड, मैंने आपको कहा था कि हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो उसके बेसिस पे हम स्पेलिंग एरर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, स्पेलिंग एरर्स। पेटिलेंट एक एडजेक्टिव है। चर्लिश, ट्रेंचेंट वापस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके स्पेलिंग एरर्स और न्यू वर्ड्स के हिसाब से। कटिंग, शार्प, हॉस्टाइल, सकास्टिक, कॉजेटिक, स्पाइटफुल और एस्ट्रिजेंट, न्यू वर्ड टू लर्न। इरिसिबल, डू रिमेंबर, अगर ये वर्ड्स हम उसको लर्न करेंगे तो आपके स्पेलिंग एरर्स में या न्यू सिनोनियम एंटोनियम्स में काम आ सकता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कुछ और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। अब देखते हैं यहाँ कुछ और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मेंशनड हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला वर्ड है टेस्टी। अब ये फूड वाला टेस्टी नहीं है, ये एक्रोमोनियस वाला टेस्टी है, जिसका मीनिंग एक जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका एडजेक्टिव। सेंसोरियस आपके स्पेलिंग एरर्स में काम आ सकता है। रैंकरस, रैंकर होता है, रैंकर से रैंकरस निकला है। यहाँ मैंने मेंशन किया है यू का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन में तो उसके हरदम आगे एम, इज, आर, वॉज और वर ही लगेगा और परफेक्ट टेंस में हैज ही लगेगा। मॉडेंट एक एडजेक्टिव है। पेविश, स्प्लेंटिक इंपॉर्टेंट वर्ड, मॉरिटेशियस, पंजेंट, एसरबेक क्रूशल वर्ड है, इसको लर्न करना जरूरी है। विट्रॉलिक, तो प्लीज़ ये वर्ड्स हैं सो प्लीज़ इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके सिनोनियम एंटोनियम्स में काम आते हैं स्पेलिंग एरर्स। कुछ एंटोनियम्स और हैं इसके बाद जो हम देखेंगे, इसकी देखते हैं। फॉरगिविंग, बेनिंग, एफेबल एंड गुड टेम्पर्ड, यहाँ पे अगर जब डैश लगता है इसका मतलब एक कॉन्कर्ड वर्ड है, दो वर्ड एक साथ को कॉन्कर्ड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके एक्रोमोनियस के बाद, हमने वर्ड पढ़ा था एक बेटर और इसके साथ एक और वर्ड पढ़ेंगे ब्लिटरिंग, ब्लिस्टरिंग सॉरी।
तो बेटरिंग की बेटर के एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या मतलब है उसके। बेटर का अगर बेटर एडजेक्टिव है, बेटर एक एडजेक्टिव है पर उसके मीनिंग बहुत सारे हैं। हम तो बेटर एक फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, एक एक्सपीरियंस, बट एग्जाम्स एडवांस पूछता है। देखते हैं यहाँ कहता है बेटर एडजेक्टिव है, फीलिंग एंग्री, जेलस एंड अपसेट बिकॉज यू थिंक यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। मतलब आप गुस्से में हैं, जेलस हैं या अब अपसेट इसलिए हैं क्योंकि जो आपके साथ बर्ताव किया गया वो बहुत ही अनफेयर था, कुछ काम में या आपके ऑफिस में या आपके कंपटीशन में या स्पोर्ट्स में। अगर ऐसा होता है तो हम बेटर के बाद कौन सा वर्ड लगाते हैं, प्रीपोजिशन का अबाउट। तो राम फेल्ट बेटर अबाउट इट। तो यहाँ पे इट एक प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, एक्सपीरियंस, और ये थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में काम आता है। सेकेंड बेटर का वर्ड लेते हैं, अ बेटर डिसअपॉइंटमेंट या बेटर ब्लो, मेकिंग यू फील वेरी अनहैप्पी एंड अपसेट। इफ अब ये जो सेंटेंस पढ़ रहा हूँ ये कंडीशनल्स में है, कंडीशनल पढ़ेंगे हम। इफ इंडियन क्रिकेट टीम फेल्ड इन वर्ल्ड कप, अगर इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में फेल होती है, जो इंग्लिश ये जो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हुई थी, उससे पहले लोगों की उम्मीद खूब थी, तो कहते हैं इट वुड बी अ बेटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस, कि हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर इंडियन टीम हारती है। थर्ड पे आते हैं, फ्रॉम बेटर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हरदम पास्ट में काउंट हो सकता है, इसका मतलब बिकॉज यू नो, बिकॉज ऑफ योर ओन अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत खराब था, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। बिकॉज यू ओन योर ओन वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, आई न्यू फ्रॉम न्यू, देखिए नो का वी टू फॉर्म, मतलब अगर ग्रामेटिकल सेंटेंस क्रिएशन, मतलब या नो नहीं आएगा या न्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस है। दैट शुक स्टॉक मार्केट विल क्रैश आफ्टर द इलेक्शन, मतलब उसको अपने जब 2015 या 14 का इलेक्शन हुआ था, जो भी इलेक्शन में उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसको लॉस हुआ था, तो उसने अपने फ्रेंड को एडवाइस किया या खुद को लिया, खुद के लिए खुद को कहा कि भाई ये इलेक्शन आ रहा है मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रॉम अ बिटर एक्सपीरियंस आई नो दैट दिस विल लीड मी टू द डिजास्टर। थर्ड देखते हैं आपके लिए, अ बेटर आर्ग्यूमेंट और बैटल। भाई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट था, गुड आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट और बैटल के आगे बिटर आ जाए, मतलब उसका मतलब ये मीनिंग बहुत ही नेगेटिव है। इज वन इन विच पीपल अपोज क्रिटिसाइज ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हेट एंड एंगर, मतलब जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बहुत ही बदले की भावना है, रिवेंज की या हेट एंड एंगर है। द कंट्रीज आर स्टिल बेटर एनिमीज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, स्टिल बेटर एनिमीज, मतलब अभी भी इनके अंदर हेट और एंगर है। कुछ और वर्ड्स हैं, अ बेटर बैटल, अ बेटर डिस्प्यूट, अ बेटर फाइट, अ बेटर स्ट्रगल, अ बेटर कॉन्फ्लिक्ट, अ बेटर डिबेट, आर्ग्यूमेंट, अ बेटर डिसएग्रीमेंट, अ बेटर ऑपोजिशन, मतलब जो ऑपोजिशन होता है कि हाँ भाई ऑपोजिशन है जीतना है, पर ये तो बहुत ही मतलब गंदा ऑपोजिशन है। बेटर राइवल एंड एनिमी, अ राइवल एनिमी और एनिमी, यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक, और राइवल सबके होते हैं मार्केट में इन कॉम्पिटिशन एवरीथिंग, बट वो जिसके लिए हम गुस्सा आता है डिसलाइक आता है उसको हम बेटर लगाएंगे तो मीनिंग चेंज होगा। अब एक और वर्ड पढ़ते हैं, इसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, बहुत ही क्रूशल वर्ड है, वो है आपका ब्लिसरिंग। ब्लिसरिंग आपका एडजेक्टिव है, ब्लिसरिंग के साथ देखिए अगर किसके साथ लगता है उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर ब्लिसरिंग एडजेक्टिव है तो एक्सट्रीमली हॉट, when we went out in the blistering heat, मतलब कौन सी हीट में गए, blistering heat में। blistering एक adjective भी है, extremely fast, ठीक है, अगर pace के साथ, the runners set off, मतलब जब race चालू हुई, set off at a blistering pace, at a blistering space। third है आपका blistering attack and criticism, जो attack था वो बहुत ही negative, very critical remarks, एक्सप्रेसिंग एंगर एंड डिसअप्रूवल, मतलब कोई मूवी रिलीज हुई जो सोशल वाइबल नहीं थी तो लोगों ने उस पर या क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, वो क्रिटिसाइज बहुत ब्लिसरिंग था। अ ब्लिसरिंग अटैक ऑन हर बॉस, मतलब जो अटैक था वो बहुत क्रिटिकल रिमार्क्स और एक्सप्रेसिंग एंगर एंड डिसअप्रूवल था। मैंने आपको कहा था वीडियो से पहले कि हम idioms भी पढ़ेंगे वर्ड्स के साथ, वोकैब के साथ। बी नॉट अम्यूज्ड एक idiom है जिसका मतलब है टू बी अनॉयड, मतलब इरिटेट होना। P के फॉर्म्स आपको बता देता हूँ, am, is, are, was, were, जो आपके काम आएंगे। I told about what had happened and she was not amused,
was वापस be का form है, मतलब वो irritate हो गई और वो खुश नहीं थी. ये तरह bristling के एक से ज़्यादा मतलब. अब next word देखते हैं जो AC में हो गया. अब next word हम पढ़ेंगे ACR. जो word है देखते हैं कौन सा word है. Exacerbate एक word है जिसको verb में count होता है. यहाँ पे T का meaning अगर आप देखेंगे तो T का meaning आपका transitive verb है. ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट लेता है. अगर जो वर्ड ऑब्जेक्ट लेता है वो पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है. मैंने हाईलाइट कर रखा है ACR. अगर ऐसे वर्ड आए जिनका मतलब होता है जो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्ड, जो हालात ख़राब थे उसको और बदतर करना. लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज़ बीन एक्सेसबेटेड बाय रेशियल डिविजन्स. लॉन्ग स्टैंडिंग आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है. कैसी पॉवर्टी? लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कई दिन सदियों से चल रही है. इसका सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट हुआ या जो गरीबी थी, अमीर गरीब में फर्क था वो और बढ़ गया, या तो डेवलपमेंट की वजह से या रेशियल डिविजन की वजह से. इससे एक और वर्ड लगता है एक्सेसबेशन, जो नाउन अनकाउंटेबल है, मतलब इसके बाद जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो हरदम सिंगुलर रहेगा. इमेज कहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड बहुत ही, इकोनॉमी बहुत ही नीचे जा रही है वर्ल्ड की, बट यूएसए को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अपनी पॉलिसीज को ढंग से नहीं करके उसने चाइना पे बहुत सारे स्लैम्स लगा दिए, डिस्प्यूट्स लगा दिए. ठीक है, इससे बाहर निकलने के लिए अब बदला नहीं, चाइना ने उन पर भी ये लगा दिए, तो जो सिचुएशन ख़राब थी उसको और भी बदतर कर दिया, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी और गिर गई. अब इसके कुछ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देखते हैं यहाँ पे. जैसे पहला वर्ड है आपका एग्रीवेट, दूसरा है हाइटेन, तीसरा है ऑग्यूमेंट और नेक्स्ट है आपका इंटेंसिफाई. ये सब ये बताते हैं कि ये कुछ जो चीज़ ख़राब थी उसको और ख़राब कर देना. वापस टी का मतलब ट्रांजिटिव, आई का मतलब इनट्रांजिटिव. एग्रीवेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, हाइटेन के बारे में और पढ़ेंगे. ऑग्यूमेंट एम्प्लीफाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है. इंटेंसिफाई आपका प्रवोक मतलब इनफ्लेम, और मैग्नीफाई ये आपके मैग्नीफाई ग्लास, मतलब जो चीज़ छोटी थी उसको और बड़ा कर दिया. इसके एंटोनियम्स देखिए, काम एक एडजेक्टिव है और रिड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है. अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हाइटेन के बारे में. देखते हैं हाइटेन आपका नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी. नाउन एडजेक्टिव वर्ब. नाउन में इसके फॉर्म हाइट और हाइट्स हैं, एडजेक्टिव हाइटेंड है. वर्ब का फॉर्म V1 में हाइटन है, V2 में आपने देख लिया है तो V3 का भी फॉर्म आपको मालूम होगा. ये है आपके सारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के. ठीक है, तो आज हमने दो वर्ड किए हैं मतलब ACR से, और करेंगे वर्ड्स नेक्स्ट. प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और बताइए कि आपको इस वीडियो कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए. एंड प्लीज डू प्रैक्टिस बाय मेकिंग सेंटेंसेस rather than just seeing it. And last but not least, before leaving, knowledge increases by sharing but not by saying. So please share the video. Thank you. Have a nice day.